नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम डॉक्टर अचल गुप्ता है। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूरोस्पाइन डे हम क्यों बनाते हैं और किस तरह से इस चीज का हमने स्टार्टिंग की। प्रोफेसर पी एस रमानी, जिनका जन्म 30 नवंबर 1938 को हुआ, उनके जन्म दिवस पर हम न्यूरोस्पाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं। प्रोफेसर रमानी इंडिया के पहले 10 न्यूरोसर्जन्स में, पहले 10 डॉक्टर्स में हैं जिन्होंने न्यूरोसर्जन न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग ली और प्रोफेसर रिचर्ड डिक्सन अवार्ड की प्राप्ति की लंदन में। प्रोफेसर रिचर्ड डिक्सन अवार्ड उनको मिलता है जो ओरिजिनल रिसर्च करते हैं। उन्होंने अपनी स्पाइन के ऊपर रिसर्च की और लंदन के अंदर पहले भारतीय बने जिन्हें रिचर्ड डिक्सन अवार्ड मिला। वो भारत वापसी आए और मुंबई के अंदर उन्होंने स्पाइन सर्जरी, स्पाइन के रिलेटेड इश्यूज के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। सो वो पहले भारतीय थे जिन्होंने स्पाइन सर्जरीज के रिगार्डिंग अपना इंटरेस्ट शो किया और धीरे धीरे उसके उसके स्पाइन पैथोलॉजीज पे काम किया। सो स्पाइन फ्रैक्चर्स को लेके उस समय कोई इलाज नहीं था, उन्होंने डेवलप किया कि किस तरह से स्पाइन के फ्रैक्चर का इलाज किया जाए। इसको हम बोलते हैं प्लिफ सर्जरी। उसके अंदर स्क्रूज लगा के स्पाइन को स्टेबल करना, ये मेन ट्रीटमेंट था। सो ये उन्होंने नेचर से सीखते हुए, समझते हुए इस प्लिफ सर्जरी का आविष्कार किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा प्लिफ रमानी। सो उनके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं न्यूरोस्पाइन डे। सो अभी हम बात करेंगे इस आधुनिक जगत में स्पाइन के रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं और ये पैदा क्यों होते हैं। हमें ये समझना होगा इस आधुनिक जगत में आसीन जीवन शैली के कारण, जिस तरह से लंबे समय तक मोबाइल पे बैठे बैठे काम करना, लेट कर टीवी देखना, लंबे समय तक टेबल चेयर पे काम करना, कंप्यूटर पे काम करना, अपनी जगह पे बैठे रहना, हिलना नहीं, और पॉपकॉर्न, मैकडोनल्ड्स का बर्गर, पिज्जा, ये सब खाते हुए अपनी सेहत का ना ध्यान रखना, इन सब के कारण, आसीन जीवन शैली के कारण हमारा वजन ऊपर नीचे होता है और मांसपेशियां कमजोर होती चली जाती है। जब मांसपेशियां कमजोर होती है तो स्पाइन के ऊपर ठीक तरह से वेट ट्रांसमिशन ऊपर से नीचे तक नहीं होता, जिसके कारण 42 से 83% लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी कमर में दर्द या गर्दन में दर्द होता है। हम यहाँ पर भी बात करेंगे, इस समय जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 65% लोगों में अभी तक उन्होंने बैक पेन या नेक पेन जरूर अनुभव किया होगा। सो हमें ये समझना है कि हमें स्पाइन में क्या क्या तकलीफें और हो सकती हैं। जिस तरह से मैंने बताया मांसपेशी का कमजोर होना, उस मांसपेशी कमजोर होने से सिर्फ एक चीज से क्या क्या हो सकता है, जिस तरह से डिस्क में प्रॉब्लम, स्पाइन में स्टिनोसिस, स्पाइन में फ्रैक्चर, स्पाइन का टीवी, और ये सब स्पाइन के ट्यूमर्स, ये सब चीजें स्पाइन की पैथोलॉजी है, स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी मनुष्य को। सो हमें ये समझना है कि हमें इन सब का ध्यान रखना है, हमें डेली की डेली कसरत करनी है। क्या कसरत करना है? 30 मिनट तक डेली प्राणायाम, डेली व्यायाम कसरत करनी है, जिससे हमारे पोस्चर्स ठीक रहे। हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमें कोई सामान नीचे गिर जाए तो कैसे उठाना है, कोई थैला नीचे रखा है तो उसको कैसे उठाना है। कि छोटी छोटी चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप स्वस्थ रहेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें आसीन जीवन शैली को नहीं बल्कि कसरत करते रहना है और अपने आप को फिट रखना है। इस तरह से नहीं कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम खाने पीने का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम स्पाइन के इश्यूज से, कमर दर्द के कारण या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम के कारण या फिर गर्दन में दर्द से हम छुटकारा पा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मरीज आते हैं हमारे ओपीडी में तो हम किस तरह से उसका इलाज करते हैं, हम क्या चीज देखते हैं। सो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि उन्हें कमर में दर्द है या फिर गर्दन में दर्द है या शियाटिका का तकलीफ है, तो हम मरीज से उसकी पूरी बातें सुनते हैं कि उसको क्या झुंझुनाहट के साथ है या नहीं है, क्या दोनों पैरों में से ज्यादा दर्द कौन से पैर में है, गर्दन में दर्द कहाँ पे है या फिर कमर में दर्द कौन सी बाजू ज्यादा है। फिर उसको लेटा के उसकी जांच करते हैं, देखते हैं कि उसको कहाँ पे पेन जनरेटर्स है। हमें आइडेंटिफाई करना होता है पेन जनरेटर्स। अगर हमें पेन जनरेटर्स हमारे एग्जामिनेशन में समझ में आते हैं, जिस तरह से कभी होता है SI जॉइंट टेंडरनेस,
जैसे होता है वीक मसल्स, जिस तरह ऐसे होता है कि डिस्क इश्यूज या फिर SLR रिस्ट्रिक्शन जब होता है तब हमें आगे जांच करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें एक्सरे और MRI महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक्सरे MRI करके हमें एग्जैक्ट स्पाइनल पैथोलॉजी का मालूम पड़ता है और जिसके बाद हम इलाज बता सकते हैं। अभी हमें समझना है क्या सभी मरीज को सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है? बिल्कुल नहीं। 90% तक लोगों को जिनको स्पाइन में पेन है, गर्दन में, कमर में दर्द है, उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ सही सेट ऑफ एक्सरसाइज, कसरत से और दवाइयों से हो जाता है। लगभग 1 से 1.5 महीना अगर मरीज सही से दवाई खाए और लगातार व्यायाम करे, कसरत करे पूरी उम्र, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि उसको क्रोनिक बैक पेन से राहत मिलती है। लेकिन कुछ 10% लोगों के अंदर हमें स्पाइन में इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, कुछ बहुत कम लोगों में स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जिन लोगों में स्पाइन सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनको करवाना चाहिए ताकि नसों की कमजोरी आगे सामने ना आए। नहीं तो आमतौर पे हमें पैर का इस तरह से फुट ड्रॉप, पैर का गिर जाना, पैर में कमजोरी आना, अपने रोजमर्रा के काम को ठीक से ना करना, ये सब मुसीबत से इंसान परेशान हो सकता है और अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सी, इस आधुनिक जगत के अंदर जिस तरह से मेडिकल साइंस एडवांस हो रही है, उस तरह से स्पाइन सर्जरी भी एडवांस हो रही है। पहले हम बड़ा चीरा लगा के हम स्पाइन सर्जरी करते थे, बड़ा चीरा, इतना बड़ा, जिसका भी अगर आप पहले 10 साल पहले 5 साल पहले सर्जरी देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा चीरा मिलेगा, ऐसा कमर में, गर्दन में, इस तरीके से। लेकिन अभी जैसे मेडिकल साइंस एडवांस की, तो जैसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं पेट का, उसी तरीके से दूरबीन द्वारा स्पाइन का सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जिसके अंदर चीरा कितना होता है, लेस देन वन सेंटीमीटर, और उसी से ही सारी स्पाइन पैथोलॉजी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सेंट जोसेफ हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है और यहाँ हम रूटीनली इस तरह की आधुनिक सर्जरीज हम कर रहे हैं। सो अभी हम बात करेंगे कि अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं और फिर भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट पड़ गया, क्या सर्जरी के बाद पेशेंट कभी चल नहीं सकता? क्या पेशेंट को बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए आराम की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, ये तथ्य नहीं है। तथ्य ये है कि स्पाइन सर्जरी के बाद आमतौर पर 6 घंटे से लेकर अगले दिन तक पेशेंट को चलाया जाता है और दूसरे तीसरे दिन छुट्टी कर दी जाती है। पेशेंट एकदम स्वस्थ रहते हैं और आमतौर पे अपने रोजमर्रा के काम में 10 से 15 दिन के अंदर वापस से आ जाते हैं। सो मेरा यही एक आप सबको मैसेज है, पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आसीन जीवन शैली को छोड़िए, रोजाना कसरत कीजिए और 30 मिनट का कसरत, ब्रिस्क वॉकिंग, स्ट्रेचिज करना मसल्स का, वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और जैसे जैसे अगर आप वो करते जाएंगे तो आपको किसी डॉक्टर की किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो योगा को एडवोकेट करते हैं वो गलत नहीं है। योगा प्रिवेंट करती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, ना कि स्पाइन की बाकी अन्य समस्याओं को भी। तो आप सभी को रोजाना आधा घंटा योग करना चाहिए। योगा करने से हर तरह की समस्या का इलाज होता है और आपका अस्पताल में आना, डॉक्टर्स के पास आना कम हो सकता है। लेकिन अगर किसी वक्त अगर आपको तकलीफ है, कमर में दर्द है, शाटिका का तकलीफ है, तो डॉक्टर के पास विजिट करने से कतराए नहीं, वो आपकी मदद करने के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है, आपकी मदद करने के लिए है। अगर आपको यही आज का मेरा मैसेज था, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई सामान नीचे रखा है तो कैसे उठाएंगे? कुछ है क्या सामान नीचे रखने के लिए? हाँ, पेन ये दे दीजिए। हाँ, ये हमने सामान यहाँ पे रखा है तो कैसे उठाएंगे आप बताइए, उठा के दिखाइए सर। हाँ, सो ये अपने को समझना है, बैठिए, ये अपने को समझना है कि एक तरीका होता है इस तरीके से झुक के उठाने का, ये बहुत गलत तरीका है, इसमें पूरा स्पाइन हमारा टेढ़ा हो गया। समझ रहे हैं आप, पूरा स्पाइन टेढ़ा हो गया। क्या सही तरीका है कि अपने एक पैर को ऐसे मोड़ो, स्पाइन को सीधा रखो और इस तरह से करके उठाओ, दैट इज वन। ये लाइट वेट, लाइट ऑब्जेक्ट्स उठाने का तरीका है।
ठीक है, कोई मान लो आटा है या बाल्टी है उसको कैसे उठाना है? हाँ, एक तरीका ये है जो आमतौर पे लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों पैरों के बीच के अंदर अपना भारी सामान रखिए और इसको नीचे करना है, इसको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से उठाइए, ठीक है। अगर आप बाजार गए हुए हैं और सब्जी के थैले उठा के लेके आ रहे हैं तो एक साइड एक थैला ऐसा उठा के नहीं चलना है, ये बहुत गलत है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, पोस्चर खराब हो जाएगा और वो आपको लंबे समय तक दर्द दे सकता है। उसका तरीका क्या है? दो थैले होने चाहिए, दोनों में बराबर सामान रखो, ये ऐसा ऐसा पकड़ के चलो आराम से, 5 किलो इसमें तो 5 किलो इसमें, ऐसा एक के अंदर 20 किलो 10 किलो उठा के ये करके नहीं चलना है। अगर हम ये सब बात समझेंगे कि नॉर्मल पोस्चर क्या होते हैं, नॉर्मल सामान कैसे उठाना होता है, तो हम लगभग 80% तक अनवांछित दर्द को हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, जो भी लोग लेट के टीवी देखते हैं या बेड पे बैठ के टीवी देखते हैं वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, वो बहुत गलत है। बेड सिर्फ सोने के लिए होते हैं, बैठने के लिए कुर्सी होती है, कुर्सी पे बैठिए, वहां पे देख के अपने सारे काम कीजिए, कुर्सी पे बैठ के खाना खाइए, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, बेड सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए है, ये बात समझना होगा, ठीक है। और मोबाइल जो लोग इस तरह से झुक के कई देर तक ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो बहुत गलत है। ये हमारी इस आधुनिक जीवन शैली का जो ये हिस्सा बनता जा रहा है ये बहुत गलत है। हमें मेक श्योर करना है कि मोबाइल इस तरीके से सामने हो ताकि हमारी जो गर्दन है वो स्ट्रेट रहे। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल पोस्चर क्या होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आजकल के ऑलमोस्ट हर घर के अंदर एक या दो इंसान मेनली जो रिटायर्ड मेल है जो घर पे रहते हैं वो इस तरीके से हमने देखा है कि वो ऐसा करते हैं। ये बहुत गलत हैबिट है क्योंकि नीचे वे दो दो पिलो ऐसा लगाएंगे ताकि वो नीचे ऐसा देख सके और इसका पूरा का पूरा वेट धीरे 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 यहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाली पीछे वाली मसल्स वीक हो जाएंगी। जब ये वीक मसल्स होंगी यहाँ पे वेट अबनॉर्मल पोस्चर बनेगा तो क्या होगा, उनको क्रोनिक नेक पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोनिक नेक पेन धीरे धीरे। फिर वो क्या है कि वो आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स उनकी जीवन शैली और डाउन होती जाएगी, बिकॉज ये साइकिल है, विशेष साइकिल है। कमजोर मसल होना, एबनॉर्मल पोस्चर होना, क्या होगा, ये मसल कमजोर होगी और ये वाली मसल टाइट हो जाएगी, एबनॉर्मली टाइट, ठीक है। जिसके कारण जब वो खड़े होंगे चलेंगे तो लगभग 5 किलो तक, स्टडी हुई है 5 किलो तक एक्स्ट्रा वजन उठाती है ये वाली नीचे वाली C6 C7 वाली मसल। सो ये हमें सबको अवॉइड करना है, ये बिल्कुल गलत है। आई लेवल पे होके अपने को काम करना चाहिए। इवन जो लोग कंप्यूटर पे भी काम करते हैं उनका आई लेवल पे कंप्यूटर स्क्रीन होना चाहिए, ये नीचे वाला बिल्कुल गलत है। जो बैठ के लैपटॉप को अपने लैप पे रख के ऐसे से काम करते हैं वो बिल्कुल गलत है, उनमें ऐसा उनकी गर्दन रहती है। सो उम्मीद है आपको प्रश्न का जवाब मिला होगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आई लेवल पे रख के बैठ के सीधा स्ट्रेट, चेस्ट अप, शोल्डर रोल बैक एंड दिस चिन डाउन लाइक दिस, अभी इस तरह से आपको यूज करना चाहिए। आईज का यूज करना है, अप एंड डाउन आईज कर सकते हैं, लेकिन ये पोस्चर को मेंटेन रखना है। कुछ और कोई प्रश्न? जी, वजन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए, या फिर क्या वजन भी इंपैक्ट करता है हमारी स्पाइन को? यस, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वजन का एक बहुत सीधा सीधा समझ सकते हैं हम, अगर यहाँ पे वजन ज्यादा होगा, यहाँ पे हम एबनॉर्मली अगर थिक नेक होगी तो क्या होगा, हमारी अल्टीमेटली स्पाइन को ज्यादा सामान उठाना पड़ेगा, ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। और अगर हमारा थोड़ा सा भी पोस्चर इनकरेक्ट हुआ, लाइक ऐसा बेंड होने वाला हुआ, तो क्या होगा कि स्पाइन डिस्क रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, यंग पेशेंट्स, लंबे मोटे पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर स्पाइन डिस्क फटी होती है और नस को दबा के रखी होती है, पहली चीज। दूसरी, जो 40 साल के ऊपर आते हैं मोटे मरीज, जो थोड़ा झुक के काम करना पड़ सकता है, दुकानदार है, खड़े होकर काम कर रहे हैं, झुक के
काम, तो वो उनके अंदर आते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस लेकर आते हैं हमारे पास। तो वजन का एक बहुत बड़ा रोल है, हमें बीएमआई हर एक पेशेंट का मेजर करना चाहिए। इसलिए सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में हर एक मरीज का कंपल्सरी पल्स, बीपी, हार्ट रेट, हम वेट हर एक मरीज का लेते हैं यहाँ पे। ये एक पद्धति इसलिए बनाई गई है ताकि डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उस चीज को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को, ये एग्जामिनेशन को छोड़ना नहीं है, हर एक को करवाना है। ये डॉक्टर देख के डिसाइड करे और आपको गाइड करे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सो अमेरिका में, यूके में जब आप जाएंगे तो देखेंगे लोग मोटे होते हैं पूरे शरीर से थुल थुल, बट इंडियंस का मोटापा कैसा है, पेट का, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, सबके पेट ऐसे बाहर निकले। तो जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो ज्यादा हानिकारक है बजाय के पूरा शरीर का थुल थुल होना। तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी डायबिटीज कैपिटल है, हम ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं बीएमआई को लेके, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर वो एबनॉर्मल वेट होगा कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, तो स्पाइन के ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा और स्पाइनल पैथोलॉजीज होने का ज्यादा चांस, ज्यादा खतरा है। तो डेफिनेटली हमें वेट अपने वजन के हाइट के हिसाब से वजन को रखना है, इस चीज का के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। जी प्लीज बोलिए। बहुत दर्द होने लगे। यस यस। सो भाई साहब बिल्कुल सही बात कहते हैं कि टेबल पे काम करना पड़ता है और यहाँ पे दर्द होता है, उसका कारण क्या है कि वो जब झुक के ऐसे काम करेंगे लगातार बार बार, तो कहाँ पर स्ट्रेच पड़ रहा है हमारी मसल्स को, यहाँ पे एबनॉर्मली यहाँ पे। तो उसके लिए क्या चीज ध्यान रखना है, हमारे पास टेबल के ऊपर ओपन करने के लिए ऐसा डेस्क ओपनर आता है, आप डेस्क ओपनर का यूज कीजिए, अपने आपको स्ट्रेट रखिए, चेस्ट अप रखिए और आराम से अपनी आईज को डाउन कीजिए, राधर देन गर्दन को, आईज को डाउन कीजिए और आराम से इस तरीके से बैठ के काम कीजिए। सी डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वकील, पुलिस वाले जो कि जिनको डेस्क का जॉब मिला हुआ है, ये सब ऑफिस लोग जितने भी हैं, ये सब प्रोन है इस गर्दन में दर्द के, और इनका गर्दन का दर्द का कारण क्या है, एबनॉर्मल पोस्चर। सो पोस्चर अपने को करेक्ट करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हर आधे घंटे में खड़े होके स्ट्रेचेस करनी है, पहले ये जो मैंने सिखाया था ये वाला, दूसरा बीच बीच में इस तरीके से पीछे की साइड ओपन करो, इसको ओपन करो इस चीज को, ठीक है। ये दो कसरत बार 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 कीजिए, मालूम भी नहीं पड़ेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और मसल भी स्ट्रेच हो जाएंगी, वे भी हैप्पी रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्रोनिक नेक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। सर आइडियल वेट 25-26 बीएमआई हमारा होना चाहिए, जब वेट बाय हाइट का सी क्यूब। तो हम जब आते हैं हमारे ऑटोमेटिकली एकदम हमारे जैसे नजर अभी बन गई है, 5 feet 10 inch हाइट है, अराउंड 72 kg मेल्स के अंदर, 6 feet हाइट है तो मोटा मोटा 76-75 to 77 kg वेट नॉर्मल। तो हम जैसे ही आप आते हैं हमारे पास, तो हम देख के आपको बोल देते हैं, नहीं अंकल आपको 5 kg रिड्यूस करो, अंकल नहीं आपका नहीं, ये आंटी अपना ये इतना एम रखो। सो ये एक हमारी आंखों की हैबिट बन गई है। तो अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो अराउंड इट शुड बी लेस देन 25 ऑलवेज, 23 हमारा आइडियल बीएमआई होता है, मोर देन 26 हम ओबेसिटी लेते हैं, 25.99 ओबेसिटी लेते हैं, मोर देन 30 मॉर्बिड ओबेसिटी लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ये रोजमर्रा की जो चीजें आती हैं, ये जो उल्टा लेट के जब हम करते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जैसे भुजंग आसन में करते हैं ना, है ना, ये एकदम एबनॉर्मली स्ट्रेच करके अपनी एल्बोज के ऊपर पूरा वजन डाल के, और हम इस तरह से कर रहे हैं। अगर हम करते हैं इसको एक मिनट, लाइक 10 तक काउंट करना, 20 तक काउंट करना, तो चलता है वो, बट इफ इट गोज बियॉन्ड दैट क्या होगा, धीरे धीरे वो जो मसल है वो क्या करेगी, थक जाएगी, है ना, वो थक जाएगी, वो थकेगी, लेकिन हम उसको जबरदस्ती पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं, फिर क्या होगा, उसके अंदर एबनॉर्मल स्ट्रेच पैदा हो जाएगा, उस एबनॉर्मल स्ट्रेच के कारण इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो फटीक बार बार देती रहेगी। एक बार स्टार्टिंग में अच्छा लग सकता है, बट वो लंबे समय तक करना, रोजाना एक हैबिट डेवलप करना, वो नुकसानदेह करेगा, क्योंकि वो नॉर्मल पोस्चरिंग नहीं है।
हाँ जी, डीजेनरेटिव चेंजेस का मतलब है जो उम्र के हिसाब से नॉर्मल चेंजेस जो होते हैं उसको बोलते हैं। हर देखो 70 साल पे 80 साल पे हर एक को स्टेनोसिस होने वाला है, लेकिन अगर 80 साल पे हो रहा है तो समझ में आता है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोफेसर रमानी इस समय 85 वर्ष के हैं, वो अभी 10 किलोमीटर मैराथन रोजाना करते हैं, वो डेली ऑपरेशन करते हैं। किस तरह से पॉसिबल है, सोच सकते हो 85 साल की उम्र में लोग इतना एक्टिव रहेगा? क्यों एक्टिव है? क्योंकि उन्होंने आसीन जीवन शैली को नहीं अपने प्रगतिशील प्रोग्रेसिव और कसरत करने वाली जीवन शैली को चुना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डीजेनरेटिव चेंजेस है हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हम आसीन जीवन शैली को छोड़े एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाएं, पहला ये है। हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर सकते हैं, बजाय के सिर्फ रिपोर्ट का लेना देना कम होता है, हम क्या देखते हैं मरीज को तकलीफ क्या है और वो जो तकलीफ है वो MRI उसे कितना कोरोबरेट कर रही है। लेट्स से MRI आपको 10 तकलीफ दिखा रहा है, लेकिन इस समय जो आपको तकलीफ है वो एक चीज दे रही है। किसको ट्रीट करना चाहिए? जो तकलीफ कर रहा है, यू तो नहीं है कि पूरा। सो दिस इज ये टारगेट अप्रोच रखनी है, यही आपको डॉक्टर मदद करते हैं, आपके क्लिनिशियन डॉक्टर, कि आपको जांच करके एग्जामिन करके कि क्या इलाज करना है, कौन सी कसरत बतानी है, क्या एग्जैक्टली आपको मेडिसिन देनी है। सो ये गाइडेंस डॉक्टर ही आपको तरीके से आपका डॉक्टर ही आपको समझा सकते हैं। और कोई हेलो सर, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा सर, मैं काफी देर से पीछे से सुन रही हूँ सर। सर मेरा एक बहुत जनरल क्वेश्चन है कि हमें सोने के लिए किस तरह के बेड को यूज करना चाहिए, बिकॉज मेरे घर में दोनों तीनों तरह के बेड हैं, बट मैं किसी पे बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, बट किसी पे बहुत ज्यादा मुझे अनइजीनेस होता है सुबह उठने के बाद। तो किस तरह का आइडियल होना चाहिए बेड? सो जो अपना पुराने समय का आता था ना रुई का गद्दा, जिसे कहते हैं हम ना कि तख्त जैसा हार्ड, है ना, तख्त जैसा हार्ड, दरी जैसा हार्ड, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट, सेमी हार्ड, जिसे कहते हैं सेमी हार्ड, वो आइडियल होता है। बट क्या हुआ है कि अभी इतना रिसर्च हुआ है इसके ऊपर मैट्रेस कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा, तो जो आजकल टाइम आ गए 6 इंच के गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, उनके अंदर भी इन्होंने डेवलप किया है जो बैक के लिए कंफर्टेबल है, स्पाइन कंफर्टेबल है। सो आप जब मार्केट में जाएंगे तब आपको ये बोलना है कि भैया स्पाइन का गद्दा दिखाइए, स्पाइन के लिए जो अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात उनको बोलना है, फिर वो आपसे पूछेंगे मैडम कौन सा मटेरियल चाहिए, क्योंकि बजट हर एक का अलग अलग हो जाएगा। 10,000 में भी स्पाइन का गद्दा मिलेगा, 1,00,000 में भी मिलेगा, फिर आप जिस तरह का बजट होगा उसके मटेरियल के हिसाब से आपको देंगे। So, कैसा होना चाहिए? सेमी हार्ड, ऐसा नहीं कि बैठो नीचे घुस जाएगा, ऐसा नहीं, वो गलत है। कैसा होना चाहिए? सेमी हार्ड आए ऐसा नीचे थोड़ा। सो दैट इज द आइडियल। अगर आप भी अप्रिशिएट करेंगी वही गद्दे में आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी मॉर्निंग में, जो इस तरह का होगा जो हम बता रहे हैं। चलो धन्यवाद, कोई प्रश्न नहीं है तो क्या हो जाता है? हाँ, बेली फैट, यस। सी बहुत अच्छा प्रश्न है वाला भी। ये प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद दो चीजें बहुत आम तौर पे देखी गई है। महिलाएं बोलती है कि कमर में हमारे इंजेक्शन लगाया गया था वहीं पर ही हमारे दर्द हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरी चीज बोलते हैं कि मोटापा आ तो गया है लेकिन डिलीवरी के बाद वो खत्म नहीं हो रहा है। वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है कि हमारी जो इंडियन लाइफस्टाइल है वो पहले जैसी रही नहीं है और नई चीज को हम पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। लाइक पहले क्या था कि बच्चे को लेके यहाँ पे एक पैर यहाँ होता था, एक पैर यहाँ पे लेके पानी भरने जाते थे, 3 महीने बाद जाना ही पड़ता था, है ना, तो वो एक्सरसाइज होती थी, एक्सरसाइज। अभी वो पानी भरना तो बंद हो गया, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस करने वाली कसरत हमने चुनी नहीं, हमने लाइफस्टाइल कौन सा लिया, आराम वाला। और उसमें मैंने क्या बोला कि टाइम ही नहीं मिलता है, समय ही नहीं मिलता है। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो हमें डाइटिशियन से मिलके हमें ये समझना है कि कितना कैलोरीज हमें लेना चाहिए। जब आप अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की कितना कैलोरीज हमारे लिए करेक्ट है, तभी तो आप खाने पीने को रेगुलेट कर पाएंगे कि बच्चे के दूध में भी उतना सामान जाए, आहार जाए, न्यूट्रिशन जाए, कि उसको भी नुकसान ना हो और आपको भी
फायदा हो और आप धीरे धीरे फैट को कम कर पाए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इमीडिएटली योगा स्टार्ट करना चाहिए। योगा की खास बात क्या है, वो बेसिकली हर एक ज्वाइंट पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, वो स्लोली स्लोली बिल्ड करती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर आप एक महीने से छह महीने में जाएंगे, सिक्स मंथ्स के अंदर ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा आप वेट रिड्यूस कर चुके होंगे। तो हमारा 40% जो पोर्शन है वो होता है डाइट से, 15-20% आता है हमारा कसरत से, और दोनों ही चीज का अपना अपना महत्व है। और प्रेगनेंसी डिलीवरी के ढाई से तीन महीने के बाद योगा और डाइटिशियन से मिलके अपने को स्वस्थ रखना है, क्योंकि भारतीय जीवन प्रणाली के अंदर बहुत मेजर चेंज आया है पिछले 50 साल में। पानी लेके जाना नहीं पड़ता है ना, पानी लेने जाना नहीं पड़ता, और जो नया उसको जो रिप्लेस करना था वो हमने किया नहीं इसके कारण। सो हमें आसीन जीवन शैली को छोड़ना है, एक्टिव रहना है, और ये नहीं सोच मजबूरी नहीं देखनी है अपने को, देखना है ये तो करना ही है। वी हैव टू मेक इट पॉसिबल रादर देन ये सोचने की यार ये तो अभी ये है, अभी मुझे ये करना है, क्योंकि फिर ये ऐसी साइकिल है उसमें फंस गए तो फंस गए, फिर इससे बाहर नहीं निकल सकते। और थैंक यू।